बुधवार अक्सर बुधवार जो है डेज ऑफ स्टॉप लॉसेज एंड बुधवार इज अ डे फॉर ऑप्शन सेलर्स रादर देन ऑप्शन बायर्स आज का दिन भी ऑप्शन सेलर का ही था ऑप्शन बायर का ना होकर ये मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर अगर आप जुड़े हैं तो आपको उसके अंदर सुबह सुबह मैसेज करके बता दिया था अगर आप नहीं जुड़े तो कैसे एटीन थाउजेंड के आसपास में बने यही ऑथेंटिक चैनल है जहाँ आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको सुबह सुबह लेवल्स दे देता हूँ और साथ में ये भी लिख दिया था कि टुडे विल बी द डे फॉर सेलर्स एंड द बेस्ट ट्रेड टुडे विल बी अ शॉर्ट स्ट्रैडल अगर आपने शॉर्ट स्ट्रैडल की होगी तो आपको काफी अच्छा पैसा बनने के लिए बना बना होगा इनफैक्ट अगर आप देखते हैं तो चलिए बात करते हैं किस तरीके के, के सेटअप बने मार्केट ने आज एक ओपनिंग दी आपको कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट चाहे छोटा खुले लेकिन एक गैप अप खुल सकता है और साथ के साथ के आपको कल की वीडियो के अंदर वॉर्न भी किया था कि मार्केट में इस राइजिंग वेज से थोड़ा सा बेसिकली सतर्क रहेगा अलर्ट रहेगा कि अगर ये अपना काम करना शुरू करती है तो बहुत कुछ हो सकता है कल का हमारा जो वीडियो का टाइटल था इनफैक्ट वो भी था आ, वो भी यही था तो आप देखेंगे तो आ, बैंक निफ्टी राइजिंग वेज से जरा बच के और राइजिंग वेज अक्सर एक रिटेलर ट्रैप पैटर्न जिसको मैं बोलता हूँ वो भी बनती है और ये अक्सर यहाँ मार्केट यहाँ बन हुई थी अक्सर कैसे क्या, क्या करती है मैंने आपको बताया था मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है उसके बाद में नीचे आती है तो कल इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं था इसलिए मैं काफी होपफुल था ग्रीन हो सकता है मार्केट इसीलिए कॉल्स भी कैरी किए थे और मार्केट ने हमारे लेवल से पिन पॉइंट जो आपको लेवल बना के दिया मैंने यहाँ पिन पॉइंट रिजेक्शन लिया उसके बाद नीचे आई हमारे लेवल पे सपोर्ट लिया पहला टारगेट दूसरे लेवल पे सपोर्ट लिया और नीचे की तरफ की जो लाइन थी इसके ऊपर इसने सपोर्ट फिर से एक बार लिया एंड एंड में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने फिर से एक रिकवरी दिखाई गोल्डन जोन से दोबारा से रिकवरी दिखाई दोबारा से इसके बाहर गया और दोबारा से मुझे तो लगता है यहाँ पर ज्यादा लोग ट्रैप नहीं हुए क्योंकि लोग समझदार हो गए उनको पता लग गया है तो मार्केट वापस ऊपर आई एक बार और ट्रैप किया नीचे की तरफ वापस लेके आई और उसके नीचे क्लोजिंग दी है लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग है वो थर्टी नाइन सिक्स वन सिक्स के ऊपर आई है वो थोड़ी सी पॉजिटिव है आ, मेरे हिसाब से लेकिन हाँ नेगेटिव पैटर्न है और साथ के साथ में डायवर्जनस भी है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेरिश डायवर्जनस भी भर भर के तो ये तो है आपका बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने क्या किया निफ्टी ने हमारे लेवल के ऊपर ओपनिंग दी ओपनिंग देने के बाद मैं एक डिलीट कर देता हम दोबारा बना लेंगे ओपनिंग देने के बाद इसका जो फ्लैग का टारगेट था सी ए वाला पूरा टारगेट दिया ठीक है हमारा ये फ्लैग का जो टारगेट था वो पूरा टारगेट आ चुका है और जो आपको बोला था आ जाएगा मार्केट आई तभी मैं निफ्टी कैरी करके कहता अगर आपको याद हो तो मैंने क्लोजिंग के टाइम पे भी बोला था आई एम कैरिंग निफ्टी इन प्लेस ऑफ बैंक निफ्टी और बैंक uh, निफ्टी हमने बुक भी किया मार्केट नीचे की तरफ आई वी शेप रिकवरी इसने यहाँ पर दिखाई और काफी अच्छा ट्रेंड uh, दिखाया ऊपर की तरफ गई तो डिलीट कर देते हैं लेवल्स और मार्केट uh, वापस नीचे की तरफ आके एक तरफ से बंद हुई है अगर आज का जो दिन था गैस, वो दिन था प्योर एंड प्योर उन लोगों का मतलब आज किन लोगों ने अर्न किया है आज उन लोगों ने अर्न किया है जिन लोगों ने पहले लर्न किया है चाहे वो मुझसे हो किसी और से हो उन्होंने डेफिनेटली पैसा बनाया होगा इस प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे फर्स्ट फाइव मिनट की कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनी मार्केट नीचे की तरफ आई यहां पर इसने ये एक फ्लैग बनाया पेरिश फ्लैग ठीक है बेयर फ्लैग बनाया मैं अपने स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ सबने सब ने किया पैरिश फ्लैग बनाया इसका टू थोड़ा ये जो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टारगेट था इसने पूरा टारगेट इसका नीचे की तरफ तो इसमें पहला प्रॉफिट हुआ ठीक है पैरिश फ्लैग के अंदर आपका पहला प्रॉफिट थी। हुआ थी। दूसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्या किया मार्केट ने आपके सामने ही बना हुआ ये मैंने शेयर भी किया था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया ठीक है और हेड एंड शोल्डर बना के इसका ये टारगेट था ये भी टारगेट इसने पूरा दिया हेड एंड शोल्डर का भी टारगेट पूरा इसने अपनी तरफ से दिया कुछ लोगों को ये फ्लैग लगा और उन्होंने फ्लैग बना के ट्रेड किया फ्लैग के हिसाब से भी ये टारगेट बनता था फ्लैग के हिसाब से भी इसका टारगेट पूरा आया ठीक है तो फ्लैग का भी टारगेट इसने कंप्लीट दिया तो फ्लैग का भी यहाँ पर टारगेट आया ठीक है उसके बाद यहां से जब तो मार्केट गिरा ऑफकोर्स ये अनएक्सपेक्टेड था मार्केट गिर गया कोई प्रॉब्लम नहीं है दीजिए लेकिन अगर आप देखेंगे तो दिन में गाइज एक नहीं दो नहीं तीन, तीन तीन बार मार्केट ने मौका दिया पैसा बनाने का मौका भर भर के दिया उन लोगों को जिन लोगों ने लर्निंग की हुई है अगर आप ये मूव कैप्चर करने में सफल रहे ये मूव कैप्चर करने में सफल रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कि आपको भी ये कमेंट ये पैटर्न दिखाई दिया और आपने उनको ट्रेड किया नो इंडिकेटर नथिंग वट्सो एवर कोई भी स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ आपको स्ट्रैटजीज ने पैसा अपने अपने जगह पर दिया चिराग ने यहाँ पर देखेंगे तो चिराग ने हंड्रेड पॉइंट के आसपास यहाँ दिए चिराग ने हंड्रेड पॉइंट यहाँ दिए सो प्लस आज भी दो सौ पॉइंट चिराग स्ट्रैटेजी ने दिए एम एम एस स्ट्रैटेजी ने दिए रुद्रा ने चला के दिए बहुत अच्छे तरीके से पैसे मिले रुद्रा ने इनफैक्ट ये वाला कैप्चर भी करा है तो रुद्रा ने ज़्यादा पैसे दिए स्ट्रैटी अपनी तरफ से अगर चले लेकिन अगर आपने इंडिकेटर यूज, यूज नहीं किया उसके बाद भी प्योर एंड प्राइस एक्शन भी अगर आपने यूज किया तो आपको काफी अच्छा पैसा बना होगा और ये रीजन मेरा बताने का आपका ये है कि गाइस कोई भी मार्केट से पैसा बना सकता है और यू नीड इज लिटिल लर्निंग चाहे आपके पास छोटा कैपिटल हो बड़ा कैपिटल हो कुछ भी है लर्निंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग सीखिए दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ठीक है और अच्छा पैसा बना सकते हैं Uh, मैंने आप सबको एक 170 के ऊपर uh, निफ्टी का भी कॉल दिया था ठीक है दिस पर एंड इसने 260 रुपए का हाई मारा है इंट्रा डे के अंदर ही 260 रुपए का हाई मारा है कितने लोगों ने लिया था मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कितने लोगों ने कितने लोगों ने ट्रेड किया था ये जो स्टार्ट ये जो मैंने दिया था ये दिया था प्योरली बेस्ड ऑन थ्री पार्ट थ्री का स्टार्टजिंग और इसके अंदर चार्ट वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं होती सबसे अच्छी बात यह ना तो कोई कैंडल देखनी है ना किसी का हाई मार्क करना है ना किसी का लो मार्क करना है स्यापा ही नहीं है भाई कोई कोई स्यापा नहीं है चार्ट का ठीक है ऑप्शन चेन देख के ट्रेड होता है बड़े ही आराम से और इसका जो वर्कशॉप है गाई सामने एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है इफ़ इन केस यू हैव नॉट परचेस्ड यू कैन परचेज फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑलरेडी देयर रिकॉर्डेड वीडियो और अगर आप लाइव सेमिनार यूज़ करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप बुक कर सकते हो अपनी सीट ठीक है यहाँ पर ये प्राइस ज़्यादा है थोड़ा सा ठीक है वो भी फिफ्टी परसेंट पर लेकिन ग्यारह तारीख को हमारा जो वर्कशॉप होने वाला है ग्यारह तारीख को ग्यारह सेप्टेबर को संडे वाले दिन दैट इज़ फॉर ओनली फाइव नाइनटी नाइन रुपीज़ बिकॉज दिस इज़ लाइव वन टाइम द इज़ नो रिकॉर्डिंग फॉर दिस ओके वन टाइम फीस अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो ये ज्वाइन करो मस्त तरीके से सीख सकते हो लर्निंग कर सकते हो और जब लर्निंग कर लोगे तो उसके बाद अर्निंग अपने आप शुरू हो जाएगी यार कोई नहीं। बात करें कि अब क्या सेटअप बन रहा है अब कहां खेल सकते हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं उसके कुछ नए लोगों ने कमेंट सेक्शन में से कंटिन्यू uh, uh, करो तो वो भी हम कंटिन्यू करेंगे और आपको कुछ स्टॉक्स भी दे दूंगा अच्छे से तो पहले देख लेते हैं लेवल्स का इस लेवल में कोई चेंज नहीं है क्योंकि मार्केट जिते दिखोती है उतनी अनखलोती वाला हिसाब किताब है मतलब जहां से मार्केट शुरू हुई थी वहीं आके बंद हुई है ऑलमोस्ट तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है तो लेवल्स के ऊपर भी बंद हुई है लेवल्स के ऊपर सब कुछ काम किए और लेवल्स विल रिमेन एज इट इज़ कोई चेंजेस नहीं रहेगा लेवल्स के ऊपर और आपको क्या करना है किस तरीके से ट्रेड करना है वो देख लेते हैं मार्केट अब यहाँ पर क्या सेटअप बन रहा है वो भी देख लेते हैं पाँच मिनट के साइड के ऊपर अगर आप यहाँ देखेंगे गाइज ये एक बेयर ट्रैप भी हो सकता है मार्केट ने क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज़ किया है और ये सपोर्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ठीक है इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है और यहां पर मार्केट आपको क्या बना सकती है मार्केट यहां पर आपको बना सकती है ये ये भी कर सकती है मार्केट यहां से ये भी कर सकती है ठीक है तो मार्केट कुछ भी कर सकती है अंडरसाइड है ओनली सेलिंग दैट हैपन इज बिलो सिक्स हंड्रेड का लेवल मार्केट अगर थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स के, के नीचे जाती है तो आप पहला देता हूं। अगर कालेंडर, कालेंडर चार्ट के ऊपर आपको थर्टी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन दिख जाता है कोई कैंडल क्लोज की जरूरत नहीं है ठीक है खाली ये नंबर दिख जाता है ठीक है इंट्राडे में मतलब चार सौ के ऊपर होना चाहिए और इंट्रा डे के अंदर नहीं डाउन में ये नंबर दिख जाए चार सौ पाँच चार सौ से नीचे घटते 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 ये दिख जाता है इसके नीचे आपका टारगेट होगा थर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ये अशोर्ड नंबर है ये आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा जब आप एंट्री करेंगे तो इसका स्टॉप लॉस कुछ नहीं होगा खाली आपको इंतजार करना है जैसे ही मार्केट थर्टी नाइन थाउजेंड 350 को क्रॉस करती है मतलब ये आपको चार्ट के ऊपर दिख जाता है ये नंबर तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट के ऊपर रख देना या दस रुपये ऊपर रख देना मतलब तीन सौ नब्बे पे रख देना या तीन सौ निन्यानवे तीन सौ पचानवे पे जैसे भी रखना है। और होल्ड करना ठीक है नाइन्टी परसेंट चांस है कि आपको ये अशॉर्ड प्राइस मिलेगा ही मिलेगा ये मेरी टीचर्स डे का गिफ्ट है जो मैंने एक स्ट्रेटजी बना के अपने uh, स्टूडेंट्स और वी आई पी मेबर्स वगैरह के साथ में सबके साथ में शेयर किए तो इस वो स्ट्रैटेजी काम करेगी वो करेगी थर्टी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड के नीचे कल के लिए ठीक है बाकी नेक्स्ट डे के लिए वो डेढ़ सौ पॉइंट हर दिन मिलते हैं डेढ़ सौ पॉइंट उसका नंबर मैं आपको दे दूंगा लेकिन हाँ इसके नीचे आपका टारगेट होगा टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फिर टू हंड्रेड एंड थर्टीन और थर्टी नाइन थाउजेंड थर्टी नाइन थाउजेंड के नीचे मुझे मार्केट जाती हुई दिखाई देने रही है और अगर आप एक तरीके से देखते हैं इस पर्टिकुलर राइजिंग वेज का टारगेट निकालने की आप कोशिश करें तो उसका टारगेट क्या आता है इसका टारगेट आता है थर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टीन ठीक है अगर अगर ये दोबारा से काम करता है नीचे टूटता है ये वाला लेवल टूटता है तो मोस्ट लाइकली मार्केट विल फॉल फर्दर और इस राइजिंग वेज का टारगेट पूरा नीचे की तरफ देखे जाना चाहिए ऊपर की तरफ हमें बाइंग का करना है अगर कल फ्लैट ओपन होती है तो गाइज तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन ये डब्ल्यू की नॉच जो इसने बनाई है मार्केट इसके ऊपर आप बाई कर सकते हो विच लेवल सेवन फोर्टी का लेवल लेकिन सेफ बाइंग जो रहेगी गाइस वो रहेगी 800 के ऊपर ठीक है थर्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज के ऊपर आप बाई कीजिए ठीक है दो सौ पॉइंट की रैली आपको इमीजिएटली दोबारा से देता हुआ दिखाई देगा फोर्टी थाउजेंड आपका पहला टारगेट होगा फोर्टी थाउजेंड सिक्सटी नाइन दूसरा टारगेट होगा फोर्टी थाउजेंड वन फिफ्टी सिक्स आपका तीसरा टारगेट होगा और फोर्टी थाउजेंड टू सेवेंटी फाइव आपका तीसरा चौथा टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा फॉर बैंक निफ्टी निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी इज मोर स्ट्रांगर देन बैंक निफ्टी और दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई इट्स माई फेवरेट पिक इसका रीजन भी मैं आपको बताना चाहूंगा बाइंग के लिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने ये आप देखेंगे तो यहां पर इसने गोल्डन जोन पर गोल्डन लिख लीजिए अगर ये लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो मार्केट आपको बड़ा फॉल देगीवेंटीन थाउजेंड फाइव फिफ्टी फाइव आपका टारगेट नीचे की तरफ रहेगा लेकिन आप एक लेवल जो है आज का लो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा तो इसको भी मार्क करके रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत एक क्रूशियल नंबर हो जाएगा तो बिलो 17628 17587 आपका पहला टारगेट होगा 17555 आपका दूसरा टारगेट होगा और उसके नीचे एक एक लेवल ये है अ उसके नीचे आपका लेवल हो जाएगा 17500 17463 ये आपके लेवल्स रहेंगे कल अगर मार्केट किसी भी वजह से आपको इस नॉच को तोड़ती हुई दिखाई देती है तो मार्केट आपको डेफिनेटली सेवेंटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड तक जाती हुई दिखाई देगी ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे कल मार्केट करीब करीब इस लेवल पर खुलती हुई दिखाई दे रही है ये नंबर क्या है इसको अगर मैं नोट करने की दिखाऊं जी हाँ मैं सोच रहा हूँ कि अगर ग्रीन ओपनिंग हो सकती है बहुत बहुत चांस है उसके अनलेस कोई बड़ी बुरी न्यूज आ जाए इंटरनेशनल मार्केट नीचे की तरफ रेड क्लोज हो काफी बड़ी तो हम रेट क्लोज हो सकते हैं अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट 17,685 थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी फाइव या इस डब्ल्यू का टारगेट देते हुए सत्रह हजार सात सौ के आसपास खुल सकती है सत्रह हजार सात सौ के आसपास खुल सकती है बाकायदा क्योंकि मुझे लग रहा है एंड एंड में जो हुआ है ना ये रिटेलर ट्रैप है ऑपरेटर्स ट्रैप है जिसके अंदर लोगों को फंसाया गया है आ, और अगर ये सच है तो भाई आ, डेटा में पता लग जाएगा आज एफ की बाइंग से पता लग जाएगा या सेलिंग से पता लग जाएगा अगर उन्होंने फिर से फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं तो भाई अलर्ट तो पहले से था कल का जो थोड़ा सा उन्हें बाय किया था वो ऐसे क्या उससे और उससे डबल बेच दिया होगा तो पता लग जाएगा तो उनकी सेलिंग देख के डेटा देख के सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो डेटा एनालिसिस वीडियो होगी उसको उसको जरूर देखेगा ठीक है यहाँ पर ऊपर के लेवल क्या है ठीक है ये आपके लेवल्स बन गए सेवेंटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी वन के ऊपर बाइक कीजिए सिक्स एटी सिक्स आपका पहला टारगेट रहेगा सेवन वन फाइव उसका दूसरा टारगेट रहेगा और तीसरा टारगेट रहेगा सेवन 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 हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर और चौथा टारगेट रहेगा ये इस तरह का मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा यहाँ पर ले आऊँगा ठीक है सेवन ये आपके टारगेट रहेंगे तो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ चार्ट को तो,

टू टू थ्री इसके बीच का जो दिनों का रहने के ज्यादा चांसेस चांसेस हैं, ठीक है <laughs> बैंक निफ्टी की कंपैरेटिवली निफ्टी आपको ज्यादा मोमेंटम देती हुई दिखाई देगी कल के दिनों में क्योंकि तो कल मुझे लगता है कि कुछ स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हलचल होगी पहला है रिलायंस दूसरा है इंडेस बैंक और अगर इंडस बैंक में हलचल होगी तो बैंक निफ्टी में भी होगी तो इंडेस एंड बैंक के अंदर हलचल हल जो है आपको देखने के में मिलेगी मिले ये दो स्टॉक मेजर रहेंगे और कल के लिए जो एक सेक्टर है कल क्या कल पूरे वीक के लिए आने वाले आने वाले पूरे सेप्टेम्बर मंथ के लिए जो सेक्टर है वो है मेटल सेक्टर तो स्टील के जो स्टॉक्स हैं वो आपको आग लगाते हुए दिखाई देंगे और सुनाई देंगे हर जगह आपको दिखाई सुनाई देगा टाटा स्टील टाटा स्टील टाटा स्टील आपको सुनाई देगा गेल आपको सुनाई देगा

तो कैनल क्लोज होती है तो आप यहां से निकल सकते हैं मार्केट का इसको इसका जो टारगेट है वो टारगेट है ये आ, पोजिशनली आईसीआईसी के अंदर अभी भी पोजिशन बनी हुई है जिंदल स्टील की मैं बात करूं तो गाइड बहुत खूबसूरत तरीके से इसने दिया जिसने भी इसको ट्रेड किया होगा काफी अच्छा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 98 परसेंट के आसपास इसने टारगेट दे दिया कल मुझे लगता है कि ये फोर का टारगेट भी दे दिया दे दिया होगा और जिन लोगों ने भी ट्रेड किया मैंने काफी लोगों के मैसेज भी आए उन्होंने जिंदल स्टील के अंदर काफी पैसा बनाया तो ये टारगेट आपको कल आता हुआ दिखाई दे जाएगा ठीक है भारतीय एयरटेल की अगर मैं बात करूंगा इस भारतीय एयरटेल बहुत ही अच्छे तरीके से भागी और खुली हमारे टारगेट के पास में तो ऑलमोस्ट इसका टारगेट डन है तो नीचे आई एक बार और उसने जिसने यहाँ पर रिटेक्स के ऊपर दोबारा बाय किया होगा उसके ऊपर पैसा मिला होगा और अपॉर्चुनिटी चली गई होगी तो चली गई गुजरात गैस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई और हमारा जो सिमिट्रिकल ट्राइंगल बना इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया और हम सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है सो so, बाइंग में बनती थी इसका नो ट्रेड बना तो अगर आप देखेंगे तो चारों ट्रेड जो आपको कल दी थी इसमें से ऑलमोस्ट दो का टारगेट हुआ और एक टारगेट एक जो है अभी भी आ, अधर में अटका हुआ है ना तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना उसका टारगेट हुआ है इसके लिए हम वेट कर रहे हैं आज की अगर मैं बात करूँ कि हमारे क्या पिक्स हैं तो सबसे पहला पिक हमारा रहेगा इस भारत फोर्ज भारत फोर्ज क्यों रहेगा इसके क्योंकि ये एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पर एक बहुत छोटा सा अगर ये देखें इसको मानते हैं ये इसका शोल्डर है तो ये एक हेड एंड शोल्डर बन जाएगा लेकिन मुझे लगता है कि अगेन कप एंड हैंडल फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है तो आपके लिए जो बाइंग के लेवल रहेंगे दिस विल बी टू टू डेज डेज ट्रेड ट्रेड ठीक है लेकिन इसके ऊपर आपको बना uh, के रखना अगर आज कल नहीं आएगा तो परसों या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट ठीक है तो अब उसके हिसाब से कैश के अंदर इसके बायर सेट कर सकते हैं अगेन गाइस द व्यूज इन दिस आर फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज ओनली प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड एनी थिंग दट आईम सजेस्टिंग राइट नाउ इज फॉर पेपर ट्रेड ओके तो वीडियो से पहले एक डिस्क्लेमर भी आता है प्लीज़ वो भी पढ़ लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है वो मुझे भी उतनी नॉलेज है जितनी आपको है और उस नॉलेज के हिसाब से मैं शेयर कर रहा हूँ ये बनता है आपका टारगेट इसका और मुझे लगता है कि कुछ दिनों की मशक्कत के बाद ये टारगेट 835 का टारगेट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है सो फर्स्ट पिक वुड बी भारत फौज सेकेंड पिक फॉर फॉर द डे वुड बी सिप्ला ठीक है फार्मा सेक्टर से अगर आप देखोगे का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास में है गाइस ये देखो अगर यहां पर देखोगे ना मल्टीपल टाइम ये जोन चेक हो चुकी है रेजिस्टेंस 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 अब ये दोबारा से इसको रेजिस्टेंस पे आया अगर वो इतनी बार इसको रिटेस्ट कर रहा है कुछ तो बात है इस जोन के अंदर और ये जब जोन टूटेगी तो आपको काफी अच्छा बुम बाम होता हुआ दिखाई देगा और फिलहाल ये एक ट्रेन लाइन भी यहाँ पर बन रही है जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है जैसे ये ट्रेन लाइन टूटती है हमारी एंट्री बन जाएगी तो यहाँ पर हम अगर हमें एंट्री बनानी है तो इसके ऊपर हमारी एंट्री बनेगी और चाहो तो एक दो रुपये इसके ऊपर एंट्री ले सकते हमारा हो हमारा टारगेट होगा वन जीरो फोर फोर के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी आपका जो पहला टारगेट होगा पोजिशनली दो से तीन दिन आप उसको लेकर चल सकते हो वन जीरो फाइव फोर लेकिन ये काफी तेज निकलेगा का, वन जीरो सिक्स नाइन और उसके ऊपर हमारा टारगेट होगा वन जीरो नाइन जीरो पोजिशनली ठीक है तो ये तो और टू पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट हो सकते है। में जितने में ले ले हैं कर देगा। और ना इसका जो स्टॉप लॉस निकलेगा आफ्टर एंट्री पंद्रह मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होने दीजिएगा वन जीरो फोर फोर के ऊपर उसके बाद नहीं बनेगा इसका जो स्टॉप लॉस है काफी छोटा आएगा वो होगा वन जीरो थ्री थ्री दस तो रुपए का स्टॉप लॉस है अगर आप देखोगे तो टारगेट चालीस से पचास वन इज टू फाइव वन टू सिक्स का गुड ट्रेड टू जिंदल स्टील जुबिलियन फूड वर्क्स इज बेसिकली अ सेकंड पेक ऑफ माइंड यहाँ पर एक राइजिंग ट्राइंगल टाइप का फॉर्मेशन आपको होता हुआ दिखाई देगा साथ के साथ में अगर आप देखेंगे तो मेरा फेवरेट पैटर्न दोबारा से यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर आप, आप भी बोलोगे कि सर आप कहाँ से ढूंढ निकालते हो कपेन हंडल देखो मुझे ज्यादातर यही ट्रेड बनी क्योंकि आपको साफ सा बताओ ना तो मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा पैसा बनता है वो बनता ही ऐसे पैटर्न के अंदर है तो ये यही पैटर्न हैं जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखे जाते हैं इसके हिसाब से तो उसको मुझे मेरे हिसाब से तो इनका मिस आउट नहीं करना चाहिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है समवेयर अराउंड हेअर और इसका जैसे टारगेट अगर हम निकालने की को कोशिश करें पैटर्न के हिसाब से इसका टारगेट निकलता है सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी टू का और इसका जो एंट्री पॉइंट बनता है वो आप इसका हाई ले सकते हैं इस स्विंग का बहुत ही सेफ एंट्री बनेगी और वॉल्यूम चेक कर ले जाएगा सिक्स ट्वेंटी टू हाँ एक बात का ध्यान रखें इसका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा है अगर आप ये ले सकते हैं तो ठीक है एक्चुअल स्टॉप लॉस इसका यही है अदरवाइज आप इस स्टॉप लॉस को भी लेके चल सकते हैं ठीक है लेकिन एक्चुअल पैटर्न के हिसाब से शोल्डर जो आपका कप होता है उसका लो आपका स्टॉप लॉस होता है लेकिन काफी बड़ा स्टॉप लॉस है वो आ, लेकिन आप इसको स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं जो कि है 607 क्लोजिंग बेसिस 15 मिनट की कोई कैंडल 670607 के पीछे क्लोज होती है वहां से निकल सकते हो लास्ट मेरा जो पिक रहेगा गाइस वो रहेगा कोरोमंडल Uh, कोरोमंडल क्यों क्योंकि कोरोमंडल एकदम से फॉल किया है है इसने ठीक अगर आप यह देखेंगे तो यह शायद एक बैरिश फ्लैग जैसा भी आपको दिखाई देगा लेकिन आई सी इट मोर एज दिस ठीक है सो देखो खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है सिंपल सी चीज है हमारा जो uh, एंट्री पॉइंट रहेगा वो इसके ऊपर ही रहेगा हमारा टारगेट क्या रहेगा वो भी बताता हूँ आप, आपका जो एंट्री रहेगा जैसे ही कोई पंद्रह मिनट की कैंडल वन जीरो फाइव जीरो एक हज़ार पचास के ऊपर क्लोज होती है आप बाय कीजिए इंट्रा के अंदर ही आपको ये वन के टारगेट दिखाने में सक्षम है उस पर्टिकुलर केस के अंदर इसका जो स्टॉप लॉस है वो इस स्विंग का लो आ जाएगा वो देख लेते हैं क्या है वन के नीचे वन भाई साहब ये बहुत बड़ा हो जाएगा बट एनीस आप इसको स्टॉप लॉस बना सकते हो

तो अगर आपको ये नहीं चाहिए और आपको चाहिए कुछ ऐसा स्टॉक जो इंट्रा के अंदर ही काम करे ज़्यादातर सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं टाइम फ्रेम जो दो से तीन दिन का उसको रिड्यूस करके सेम डे वाले लाने की कोशिश करूंगा हाँ स्टॉक्स कम हो जाएंगे चार की जगह दो मिलने शुरू हो जाएंगे शायद क्योंकि हर जगह वो सेटअप बनता नहीं है लेकिन अगर बनेगा तो मोस्ट लाइकली एक ही दिन में स्टॉप लॉस आ जाएगा या एक ही दिन में टारगेट आ जाएगा ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएगा अगर मुझे अगेन सौ कमेंट के आसपास मिलते हैं तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा ठीक है गाइस था एनालिसिस निफ्टी एंड चेक करने की कोशिश करेगी कि किस तरीके के संज्ञान यहाँ बन रहे हैं अगर हमारे देखेंगे तो ये पूरा टारगेट इसने दे दिया है और जब हमारी क्लोजिंग हो रही थी मैंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा था कि ये पूरा टारगेट देगा उसके बाद ये हो सके ना गिर ना जाए तो ये अब ये एम बना के नीचे की तरफ आ रहा है ठीक है तो जैसे जिस तरीके से ऊपर गया था उस तरीके से ये नीचे आ रहा है लेकिन ये जो सारा गेम हो रहा है ये गोल्डन जोन के ऊपर हो रहा है मतलब इस जोन के ऊपर भाई एक कैंडल बनेगी ग्रीन कैंडल बहुत ही सॉलिड बहुत ही सॉलिड यहाँ पे बन रही है लेकिन यहाँ पर जब बनेगी ना बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी और अच्छा खासा काम करती है अभी मार्केट छुपे नीचे दिखा रहा है लेकिन ये भी ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि यहाँ पर भी डब्ल्यू वाला डब्ल्यू तो ये यहाँ तक जाएगा अठारह हजार के टारगेट दे सकता है तो एनी देखते हैं क्या होता है मार्केट किस तरीके से प्ले आउट करती है हमारे टारगेट तो ऊपर के ही है इंतजार रहेगा ठीक है मैं कहता हूँ कि चलती मार्केट में डेटा ना से जो टाइम में शाम को मिलते हैं तब तक के लिए वही कीजिए तो आप हमेशा करते हैं, हंसते रहिए हंसाते रहिए मार्केट से पैसा कमाते रहिए उसी का है। मार्केट